नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। भू कानून पर सीएम धामी का बड़ा आदेश, प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के लिए जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक। हिट एंड रन कानून में बदलाव का उत्तराखंड में दिखा असर, सड़कों पर परेशान घूमते दिखे लोग। नैनीताल में सैलानियों ने धूमधाम से किया नए साल का स्वागत, देर रात तक थिरके लोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का सीएम धामी ने किया लोकार्पण, छात्रों को बांटे ड्रेस। देहरादून में मिले कोरोना के दो मरीज, स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए साल के पहले भू कानून पर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अनुमति नहीं देंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में हिट एंड रन कानून में संशोधन किया है, जिसमें दोषी ड्राइवर पर 7 साल तक की सजा के साथ ही 10 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। कानून में बदलाव के बाद हिट एंड रन मामले में सजा बढ़ा दी गई है, जिससे देश भर में ड्राइवरों का विरोध शुरू हो गया है, जिसका असर देहरादून हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। यह ड्राइवर यूनियन ने चक्का जाम कर दिया है, जिसके कारण नए साल के पहले दिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल में डीजे डांस और डिनर के साथ लोगों ने नए साल का स्वागत किया। शहर की माल रोड से लेकर शहर के विभिन्न होटलों से देश भर से आए पर्यटकों ने हर्ष और उल्लास के साथ नए साल का स्वागत किया और साल 2023 को अलविदा कहा। होटल व्यवसायियों ने पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयारियां पहले से की थी, जिसका सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। साथ ही सैलानी देर रात तक डीजे के धुनों पर थिरकते रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनाथ बच्चों के बीच जाकर नए साल की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कोलागढ़ स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के भवन का लोकार्पण भी किया, साथ ही हवन में आहुति दी और छात्रावास परिसर में पौधारोपण भी किया। इसके अलावा सिंह धामी ने आवासीय छात्रावास में रहने वाले बच्चों को जैकेट, जूते और ड्रेस भी वितरित किए। देश और दुनिया में एक बार फिर से कोरोना वायरस पैर पसारने लगा है। इस बार कोरोना का नया वेरिएंट JN1 सामने आया है, जो खतरनाक माना जा रहा है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लंबे समय के बाद देहरादून में कोरोना का एक मरीज मिला है, जिसे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि देहरादून के एक निजी अस्पताल और दून अस्पताल में कोरोना का मरीज मिला है। हरिद्वार में भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी कर ली। कमरे में गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग उसे घर की ओर दौड़ पड़े। परिजन आनंद फानंद में उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नए साल के पहले दिन चारों धामों के रक्षक देवी के नाम से विख्यात धारी देवी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। नए साल के पहले दिन देश विदेश से श्रद्धालु धारी देवी मंदिर पहुंचे। मंदिर में सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था, जो देर शाम तक चलता रहा। धारी देवी मंदिर न्यास के सचिव विवेक पंडे के अनुसार नववर्ष के पहले दिन 12,000 से अधिक श्रद्धालु धारी देवी मंदिर पहुंचे। हरिद्वार जिले में गोक्षी के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन गोक्षी के मामले सामने आ रहे हैं, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। ताजा मामला लक्सर का है, जहां पुलिस ने गन्ने के खेत से एक शख्स को पकड़ा है, जिसके बाद से प्रतिबंधित मांस और गोक्षी के उपकरण बरामद हुए, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं मौके से 3 आरोपी भागने में कामयाब हो गए। प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 50% से अधिक पद खाली है। नए साल में पहली बार खाली पदों में से 50% पदों पर विभागीय भर्ती से शिक्षक प्रधानाचार्य बनेंगे। शासन ने राज्य लोक सेवा आयोग को विभागीय भर्ती का प्रस्ताव भेजा है, हालांकि राज्य के शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहा है। संगठन का कहना है कि प्रधानाचार्य के सभी खाली पदों को पदोन्नति से भरा जाना चाहिए। नैनीताल जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। दोनों हादसे 31 दिसंबर की रात हुए हैं। इस घटना के बाद मृतकों के घर में मातम छाया हुआ है। पहला मामला लालकुआ कोतवाली क्षेत्र का है, जबकि दूसरी घटना भीमताल थाना क्षेत्र की है। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।